मिक्स करो किस पर? प्लेन चुप रहो। प्लेन केक बनाने के लिए हम वापस वापस वैसे भी छान सकते हैं और उसको नहीं चलेगा ना, तो तमाशा होता है। बहुत ही बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। प्लेन केक बनाने के लिए हमने 4 अंडे लिए हैं। अंडे बाउल में ऐड कर देंगे। 1.5 कप पिसी हुई चीनी ऐड करेंगे। ग्राम्स में अगर मेजर करें तो 250 ग्राम्स के बराबर है ये। मीडियम स्पीड पर 2 से 3 मिनट बीट करेंगे। मीडियम स्पीड पर हमने अंडे और चीनी को बीट कर लिया है तकरीबन 3 मिनट के लिए। कितना अच्छा था, क्रीमी फॉर्म में आ गए अंडे और चीनी। अब हम इसमें और चीज़ें ऐड करेंगे। 1 कप हम कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे। आप बटर या घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन एक मर्तबा आप ऑयल से बना के देखिएगा, बहुत अच्छा मज़ेदार केक बनता है, सॉफ्ट और मॉइस्ट। अब हम इसे 1 मिनट के लिए बीट करेंगे। ऑयल ऐड करने के बाद हमने 1 मिनट मीडियम स्पीड पर अच्छी तरह बीट कर लिया है केक के मिक्सचर को। 1 टीस्पून हम इसमें वेनिला एसेंस ऐड करेंगे। 1/2 टीस्पून ऑरेंज फूड कलर, आप येलो फूड कलर भी ऐड कर सकते हैं या चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। 1 चाय का चम्मच हम इसमें लेमन जूस ऐड करेंगे। बहुत अच्छी सी खुशबू और जायका आ जाता है लेमन जूस ऐड करने से। 2 चुटकी हम इसमें नमक ऐड कर रहे हैं। 2 कप हम मैदा ऐड करेंगे। थोड़ा थोड़ा सा मैदा डालकर छानते जाएंगे। 1/2 कप मैदा ऐड करने के बाद हम इसे मिक्स करेंगे। अब हम बीटर से बीट नहीं करेंगे बल्कि जस्ट हमें इसे मिक्स करना है। अब 1/2 कप मैदा और ऐड करेंगे। इसी तरीके से हम 2 कप मैदे को ऐड कर देंगे। 2 कप मैदे को अगर हम ग्राम्स में मेजर करें तो तकरीबन 1 पाव मैदा बनता है, यानी कि 250 ग्राम्स। 250 ग्राम्स ही हमने चीनी ली थी और 250 ग्राम्स हमने मैदा लिया है। मैदे को हमने मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 2.5 चाय के चम्मच बेकिंग पाउडर, 1, 2 और ये मैंने 1/2 टीस्पून लिया है। बेकिंग पाउडर ऐड करने के बाद हम इसमें 1/2 कप मिल्क यूज करेंगे। थोड़ा थोड़ा करके दूध ऐड करते जाएंगे। मेजरमेंट के लिए हमने 1 ही कप यूज किया है। ऑयल भी हमने उसी से मेजर किया है, दूध भी, मैदा भी और चीनी भी। तो इसी तरीके से आप भी बनाइएगा, 1 ही कप को इस्तेमाल कीजिएगा, तो फिर इंशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के आपके केक्स बनेंगे। ये हमने मिक्स कर लिया। केक का बैटर रेडी है। हमने बिल्कुल हल्के हाथ से इसको मिक्स कर लिया है। अब हम इसे मोल्ड्स में पोर करेंगे। केक को बेक करने के लिए हमने एल्युमिनियम फॉइल के कंटेनर ले लिए हैं। अब हम इसमें ऑयल लगा देंगे। अगर आपके पास केक के मोल्ड्स मौजूद नहीं है तो बड़े ये सस्ते से मिल जाते हैं, 5 या 10 रुपए का एक कंटेनर होता है, आप इसमें बना सकते हैं आराम से केक्स। और अगर आप मोल्ड में बेक करना चाहते हैं तो आप उसमें कर लें। अब हम अपने चारों मोल्ड्स में ये मिक्सचर पोर कर देंगे। चारों मोल्ड्स में हमने केक का बैटर 1/2 से थोड़ा सा ज़्यादा भर दिया है। अब हम इसे टैप कर लेंगे। टैप करना बहुत ज़रूरी होता है केक्स को, 2 से 3 बार आप करेंगे तो बहुत अच्छा केक बनेगा। इस तरीके से केक्स को हम बेक करेंगे। बड़े पतीले में नमक की लेयर बिछाकर हमने स्टैंड रख दिया है। पतीले को 10 मिनट हमने गर्म कर लिया है। अब हम केक के जो हमारे मोल्ड्स हैं ये रख देंगे, 2 हम ओवन में बेक कर लेंगे। पतीले को कवर कर देंगे और 25 से 30 मिनट मीडियम लो फ्लेम पर केक को हम बेक करेंगे। बहुत ही बेहतरीन, बिल्कुल बेकरी जैसे हमारे प्लेन केक्स रेडी हैं। ये देखें, बिल्कुल अच्छी तरह अंदर से भी पक गए हैं, बहुत अच्छा सा इस पर कलर भी आ गया है। ओवन का टेम्परेचर हम आपको बता दें कि अगर आप ओवन में बेक कर रहे हैं तो आप 180 डिग्री पे 35 से 40 मिनट्स बेक कीजिएगा।
बहुत ही आसान तरीके से सिर्फ 2 कप मैदे से हमने ये 4 मज़ेदार केक तैयार किए हैं। ये हमने पतीले में बनाए हैं और ये हमने ओवन में बेक किए हैं। आप रिज़ल्ट देख सकते हैं, दोनों का रिज़ल्ट तकरीबन सेम है। अब हम आपको केक कट करके दिखाते हैं। बहुत ही आसान तरीके से 4 मज़ेदार प्लेन केक तैयार हैं, बहुत ही सॉफ्ट और मॉइस्ट, बिल्कुल आसानी से कटिंग हो रही है इसकी, आपको अंदाज़ा हो रहा होगा। देखें कितनी आसानी से ये टूट रहे हैं। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें क्योंकि हम बनाते हैं ख़ास आपके लिए हर रेसिपी को आसान अंदाज में। अपना ख्याल रखें और हमें अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।